अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ उमर सुल्तान। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ गुरु। ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है क्लास टेंथ मैथ का, चैप्टर वन का। इसमें मैं आपको चैप्टर वन का इंट्रोडक्शन दूंगा और इसमें आपको डिटेल नॉलेज से समझाऊंगा कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके ज़रिए से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं ये चाहूँगा कि आप सारे स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है और मेरा वे ऑफ टीचिंग अगर आपको पसंद आता है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो नाउ वी कैन स्टार्ट क्लास 10 चैप्टर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके इंट्रोडक्शन पे आते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एन इक्वेशन विच कंटेन द स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल क्वांटिटी बट नो हायर पावर, इट इज़ कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन जो कि सबसे बड़ी पावर, जो हाईएस्ट पावर है वो 2 रखती है, इससे बड़ी इसमें कोई पावर और नहीं होती, उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते होते हैं। एक अनदर नेम भी इसका होता है जिसे हम कहते होते हैं सेकेंड डिग्री, जो कि मैंने यहाँ पे नीचे आपको भी बताया, ऑल्सो कॉल्ड सेकेंड डिग्री। बाद ऑब्जेक्टिव में आता है कि वट इज़ दी सेकेंड नेम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द सेकेंड नेम ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज सेकेंड डिग्री। तो जो सेकेंड नेम होता है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो होता है आपके पास सेकेंड डिग्री होती है। फिर इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारे पास, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये बेटा हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। देखिए इसमें मैंने ऊपर जब जैसा कि क्वेश्चन में कहा था कि हमारे पास सबसे बड़ी पावर यहाँ पे क्या होती है, स्क्वेयर होती है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास सबसे बड़ी पावर क्या आ रही है, स्क्वेयर आ रही है, इसके अलावा कोई बड़ी पावर इसमें नहीं आ रही। हमारे पास क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है। मैंने इसके नीचे दो एग्जाम्पल भी आपको दिए हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस सेवन एक्स प्लस सिक्स इक्वल जीरो। इसमें एक्स स्क्वेयर भी आ रहा है, एक्स भी आ रहा है और कांस्टेंट। जिस ओकेशन में एक्स स्क्वेयर भी आ रहा हो, कांस्टेंट भी आ रहा हो और आपके पास एक्स स्क्वेयर भी आ रहा हो, एक्स भी आ रहा हो और कांस्टेंट भी आ रहा हो, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते होते हैं। अनदर ये भी एग्जाम्पल हमारे पास है, थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस फोर एक्स इक्वल टू फाइव। अब देखना क्या कि इन दोनों क्वेश्चन में हमारे पास क्वाड्रेटिक कौन सी और कौन सी नॉन क्वाड्रेटिक, कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म और कौन सी नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास। तो बेटा ये जो पहले हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर वन हमारे पास है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये जो दूसरी सेकंड लिखी है हमारे पास, ये नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म है। बिकॉज क्योंकि देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जिसमें आपके पास लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वेयर एक्स और कांस्टेंट होता है और इक्वेशन के राइट साइड पे आपको जीरो होता है। जबकि दूसरे इक्वेशन में देखिए हमने सिखाया कि नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म, नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों नहीं है, उसकी वजह यह है कि यहाँ पे देखें लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक्स स्क्वेयर और एक्स है, जबकि राइट साइड पे जीरो होना चाहिए था, यहाँ पे फाइव, इसलिए हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। एक और अनदर टाइप इसके अंदर आती है, आपके पास पेयर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है जो मैंने नीचे डिफाइन की है। इसमें क्या पेयर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, ये हमने क्वेश्चन नंबर वन में आइडेंटिफाई भी करना है कि पेयर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो एट द एंड हमें बताना होगा कि पेयर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास कौन सी है। तो बी इक्वल टू जीरो इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो, देन इट इज कॉल्ड अ पेयर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट्स मीन कि ऐसी इक्वेशन जिसमें बी की वैल्यू जीरो हो, वो हमारे पास क्या होता है, पेयर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, ये मैंने दिए हैं एग्जांपल, दो एग्जांपल दिए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स इक्वल जीरो। देखिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू है बट एक्स की नहीं, जो कि बी एक्स की वैल्यू होती है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे नहीं है, एलिमिनेट है यहाँ से, तो दैट्स मीन ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। एग्जाम्पल नंबर टू देखिए सेम, उसमें भी ये एक्स स्क्वायर भी आ रहा है, कांस्टेंट भी आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म है क्योंकि इसमें एक्स की वैल्यू नहीं आ रही। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके मेथड्स की तरफ। हमारे पास मेथड जो इसके आ रहे हैं, मेथड फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमारे पास दो मेथड होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, एक होता है फैक्टराइजेशन, एक होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिफाइन करता हूँ फैक्टराइजेशन को। इन द फैक्टराइजेशन मैथड, इन द फैक्टराइजेशन मैथड राइट द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। फैक्टराइजेशन मेथड में आपको इक्वेशन मस्ट भी राइट करनी पड़ती है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म बेटा आपको बताई थी कौन सी थी, जो कि लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वेयर एक्स और कांस्टेंट होता है और इक्वल टू राइट साइड पे जीरो होता है। इफ टू नंबर आर एंड एस कैन बी फाउंड फॉर इक्वेशन सच दैट आर प्लस एस इक्वल टू बी एंड आर एस इक्वल टू ए सी, देन ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो कैन बी फैक्टराइज इंटू टू लीनियर नंबर। इट्स मीन हम दो नंबर को अपने पास सेलेक्ट करते होते हैं आर एंड एस, जिनको अगर हम प्लस कराएं तो ये जो कोफिशियंट ऑफ एक्स है वो आना चाहिए, और जब उन्हीं दो नंबरों को हम मल्टीप्लाई कराएं तो जो सी की वैल्यू और कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वेयर है वो आना चाहिए। जब ये हमारे पास आ जाता है तो हमारे पास ये दो लीनियर फैक्टर की फॉर्म है। दो लीनियर फैक्टर कैसे आते हैं, लीनियर का मतलब है जो कि आपके पास जिसकी एक्स की वैल्यू सिंगल होती है। नीचे हम एग्जाम्पल में ये देखते हैं,
जी बेटा मैंने एग्जांपल एक सॉल्व किया, ये देखें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल टू जीरो। सोल्यूशन अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास ए इक्वल टू 1 आ रहा है, बी इक्वल टू माइनस 1, सी इक्वल टू माइनस 20। हम ये नहीं लिखते होते बट मैंने आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए लिखा कि यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर कोफिशियंट होगा वो हमारे पास ए होगा, जो एक्स का कोफिशियंट होगा वो बी होगा, और जो ये कांस्टेंट वैल्यू सर ना एक्स होगा ना वाई होगा, कुछ भी नहीं, कोई वेरिएबल नहीं होगा, वो हमारे पास सी की वैल्यू होती है। तो लिहाजा ए की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, बी की वैल्यू हमारे पास माइनस 1, सी की इक्वल माइनस 20 आ गई। अब स्टेप 1 क्या कि ब्रेक करना था मिड वैल्यू, मिड वैल्यू कौन सी है यहाँ पे माइनस 1, ये जो बी की वैल्यू नजर आ रही है ये मिड वैल्यू है, ये एक्स एक वेरिएबल है, एक्स का जो कोफिशिएंट होता है एक्चुअली वो मिड की वैल्यू होती है, तो यहाँ माइनस 1 हमारा मिड वैल्यू है। तो माइनस 1 को ऐसा तोड़ना है कि मल्टीप्लाई कराएं तो ऐसे माइनस 1 के लिए ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं कि मल्टीप्लाई कराएं तो माइनस 20 आए और उनने को प्लस या माइनस कराएं तो हमारे पास क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा इसमें आप फैक्टराइजेशन के थ्रू भी कर, एलसीएम के थ्रू भी कर सकते हैं, उसी फैक्टराइजेशन का आ जाता है, या आप इसका टेबल देख लें, आसान तरीका होता है टेबल देख लें। जैसे हमारे पास क्या है 20 देने किस टेबल में होता है, टू टेबल में 20 आता है, 2 10 20 है, बट 2 + 10 12 होता है, 1 वापस नहीं आता, फुलफिल कंडीशन नहीं है, इसको छोड़ दिया। 3 पे गया, 3 में 20 आता ही नहीं है, छोड़ देते हैं। 4 पे जाते हैं, 4 5 20, अब देखिए 4 5 20, 4 × 5 कराएंगे तो क्या आ जाएगा 20, 4 5 में 4 जाएंगे तो 1 बच जाएगा। अब अगली चीज़ देखनी है कि हमारे पास साइन मिड वैल्यू के साथ बड़ी वैल्यू के साथ साइन क्या आएगा, बड़ी वैल्यू के साथ बहुत साइन, क्योंकि हमारा दो नंबर आते हैं एक 5 और एक 4, 5 बड़ा 4 छोटा। अब देखना जाए कि माइनस किसके साथ आएगा और प्लस किसके साथ आएगा, तो बेटा जो मिड वैल्यू का साइन होता है, जैसे यहाँ मिड वैल्यू का साइन है माइनस 1, यहाँ ऊपर क्वेश्चन में देख सकते हैं माइनस 1 आपके माइनस है, तो जो माइनस का साइन है ये बड़ी वैल्यू के साथ आएगा और छोटी वैल्यू से प्लस आएगा। तो माइनस हमारे पास 5 था और बड़ी वैल्यू जो थी हमारे पास 5 थी, इसके साथ हमने माइनस लगा दिया, छोटी वैल्यू हमारे पास 4 थी, हमने इसके साथ प्लस लगा दिया। बेटा हमने लिख दिया एक्स स्क्वेयर माइनस 5x + 4x - 20 इक्वल जीरो। देखिए हमने सी को भी सेम रखा और ए को भी सेम रखा, लेकिन मिड वैल्यू को हमने 2 के साथ तोड़ा, यही आर और एस है जो 5 और 4 हमने लिए हैं। स्टेप 2 में हम कॉमन ले लेंगे, जब ये 4 वैल्यूज बन जाते हैं तो हम 2 वैल्यू के लिए 2 लीनियर फैक्टर्स में कहते हैं, तो 2 लीनियर फैक्टर मतलब 2 पेयर में इसको कन्वर्ट कर लेते होते हैं। तो स्टेप 2 में हम क्या करेंगे बेटे, हम कॉमन लेंगे, देखिए इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 5x था तो हमने एक्स कॉमन ले लिया, पीछे एक्स माइनस 5 बच गया, यहाँ से भी हमने कॉमन लिया तो 4 कॉमन लिया, प्लस 4 कॉमन लिया, एक्स माइनस 5 बच गया। ये याद रखिएगा बेटा, यहाँ पे वैल्यू आपकी, यहाँ पे वैल्यू इधर वैल्यू जो आई है और जो ये वैल्यू आई है, दोनों सेम होनी चाहिए, साइन वगैरह सब कुछ इसमें सेम आपको होना चाहिए। स्टेप 3 में आते हैं, टेकिंग अगेन कॉमन लेते हैं, जिसमें कॉमन आ रहा था, देखिए यहाँ भी एक्स माइनस 5 आ रहा था, यहाँ भी एक्स माइनस 5 आ रहा था, दोनों में से एक्स माइनस 5 कॉमन लिया, यहाँ बात किया हमारे पास एक्स और यहाँ पे प्लस 4, एक्स प्लस 4। जब भी दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं और इक्वल टू 0 आ रही हो तो हम उनको सेपरेटली इक्वल टू 0 लिख लेते हैं, तो हमने एक्स माइनस 5 को इक्वल टू 0 लिख लिया और एक्स प्लस 4 को भी इक्वल टू 0 लिख लिया। तो लिहाजा यहाँ पर हमारे पास एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0 था, यहाँ माइनस का 5 था, वहाँ जाके ये क्या होगा प्लस का 5 हो गया, और ये एक्स माइनस 4 था, एक्स प्लस का 4 था, तो हम इसको उधर लेकर ये माइनस 4 हो गया, तो हमारा सोल्यूशन सेट आ गया 5 - 4। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। तो लिहाजा हम कम्पलीटिव क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ आते हैं। कम्प्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखा है कि मैं आपको बताता हूँ कि ये कम्पलीटिव स्क्वायर होता क्या है। इफ द इक्वेशन कंटेन बोथ एक्स एंड एक्स स्क्वायर टर्म, ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर दोनों टर्म्स हैं एक्स एंड एक्स स्क्वायर, इट इज द कम्प्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम उसे कम्प्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते होते हैं। द न्यूमेरिकल कोफिशियंट सी मे और मे नॉट बी जीरो इन अ कम्प्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि इसमें जो कोफिशियंट होता है आपके पास जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो जीरो हो सकती है या जीरो के अलावा भी हो सकती है। जैसे मैंने आपको दो एग्जाम्पल दिए, एक्स स्क्वायर माइनस 7x + 6 इक्वल टू जीरो, इसमें देखिए अब एक्स स्क्वायर भी था, एक्स था और कांस्टेंट भी था। जबकि दूसरी एग्जाम्पल मैंने आपको दी 3x² + 4x इक्वल टू जीरो, यहाँ पे देखिए आपको कांस्टेंट की वैल्यू है ही नहीं, तो भी ये कम्प्लीटिंग स्क्वायर हमारे पास कम्प्लीट स्क्वायर बन, कम्प्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कम्प्लीट स्क्वायर हमारे पास बनता है, बनाया जा सकता है इनका। अब मैंने एक एग्जाम्पल आपको नीचे दी, देखिए x² - 3x = 18। अब बेटा यहाँ पे देखें हमारे पास कम्प्लीटिंग स्क्वायर का मतलब होता है हमारे पास वैल्यू ए स्क्वायर की भी हो, फॉर्मूला बनता है ए प्लस बी का होल का स्क्वायर या ए माइनस बी का होल का स्क्वायर। आपको पता है ए प्लस बी का होल का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ बेटा माइनस दरमियान वाले मीन के माइनस का फॉर्मूला लगेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, यहाँ पे तो वैल्यू आ गई हमारे पास 2ab की, लेकिन यहाँ पे 2 भी हमारे पास नहीं है, यहाँ हमें बी की वैल्यू नहीं पता, तो हम बेटा इसकी जगह खाली छोड़ देते हैं। अब हम देखें बी की वैल्यू कहाँ से पता लगी, हमें इसके अंदर से बी की वैल्यू पता चलती होती है, ये जो आ रहा है हमारे पास इधर से अंदर से हमें बी की वैल्यू पता चलती होती है कि हमारे पास बी की वैल्यू जो है वो क्या है, इस 3 को देखते हुए हमें पता लगता है कि बी की वैल्यू क्या है, ये 3 जो है हमारे पास बी की वैल्यू है। तो हमेशा आपको पता है कि ए का स्क्वायर होता है तो बी का भी स्क्वायर होता है, माइनस 3 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। फिर आप देखें यहाँ पे आपके पास 2 नहीं है, जब यहाँ पे 2 नहीं है तो यहाँ पे इस बी की वैल्यू से खुद से 2 को डिवाइड भी कराएंगे, और मैथ में दोनों सेट पे सेम चीज़ को ऐड कराया जाता है,
ठीक है, या दोनों सब्जेक्ट सेम चीज़ को सब्ट्रैक्ट करा देते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें बी की वैल्यू हमेशा प्लस में होती है, इसलिए हमने यहाँ भी प्लस करा दिया और यहाँ भी प्लस करा दिया। ये नाइन कैसे है, नाइन बेटा इसको देखते हैं, क्योंकि टू ए बी की वैल्यू होती है, तो टू नहीं है, ए की वैल्यू ये एक्स है, जो कि इस एक्स स्क्वायर के नीचे वैल्यू लिखी होती है, ये बेस वैल्यू होती है, ये हमारे पास एक वैल्यू थी, यहाँ पे क्या है एक्स है, और यहाँ पे एक वैल्यू भी एक्स आ रही है, और यहाँ पे टू है नहीं, और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, ये बी की वैल्यू थ्री बच जाएगी। तो बेटा थ्री का स्क्वायर क्या बनता है, नाइन ओवर हमने टू का, थ्री ओवर टू का स्क्वायर लिया तो नाइन ओवर फोर बन गया, दोनों साइड नाइन ओवर फोर का हमने ऐड करा दिया है। बेटा हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस नाइन ओवर फोर इक्वल टू 81 ओवर फोर आ गए। जब देखिए एक स्क्वायर यहाँ पे इसका अगर एलसीएम लेना चाहिए तो आपकी मर्जी है, बट यहाँ पे आप आसानी से ये कर सकते हैं यहाँ पे कि आप अपने पास से इसके साथ टू को मल्टीप्लाई भी करा देंगे और डिवाइड भी। क्यों, वजह क्योंकि यहाँ पे बी की वैल्यू सिर्फ हमारे पास थ्री आ रही है, यहाँ पे बी की वैल्यू क्या आ रही है, थ्री ओवर टू आ रही है, इसलिए हम यहाँ पे भी इसको कर देंगे थ्री ओवर टू। तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स माइनस थ्री ओवर टू का होल का स्क्वेयर इक्वल टू 81 ओवर फोर। ठीक है बेटे, यहाँ पे आ गया स्क्वेयर, तो हमने इसको जब दोनों साइड टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड पे ले लेंगे, यहाँ पे जब अंडर रूट लिया तो अंडर रूट स्क्वेयर के साथ कट गया, जब स्क्वेयर दोनों साइड अंडर रूट लिया अंडर रूट यहाँ पे स्क्वेयर के साथ कट गया, यहाँ प्लस माइनस 81 का अंडर रूट 9 आता है और 4 का 2 आता है। बेटे एक दफा प्लस में कर लिया और एक दफा हमने माइनस, जब प्लस में किया तो हमारे पास क्या आ गया 6 आंसर, और जब माइनस में किया तो इक्वल टू 3 आ गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं जब क्वेश्चन नंबर हम 3 पे जाएंगे, जो कि एक्सरसाइज का कंप्लीटिंग स्क्वेयर का क्वेश्चन है, इंशाल्लाह उसमें मैं आपको कंप्लीटिंग स्क्वेयर पूरा प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कि इसको एक्चुअली सॉल्व कैसे किया जाए। यहाँ मैंने एक शार्टली ओवर व्यू आपको दिया, क्योंकि ये वीडियो एक लेंथी हो रही थी और आप स्टूडेंट्स हैं, जब थोड़ी सी वीडियो भी लंबी होती है तो आप लोग तंग आ जाते हैं, जैसे कि क्लासरूम में जब टीचर का क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड से एक्सीड करना स्टार्ट करता है, या एक ही क्वेश्चन में वो 10 से 15 मिनट लगाते हैं तो आप लोग बोर होना स्टार्ट हो जाते हैं और आपका दिल बिल्कुल नहीं करता। इसलिए मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर जो था उसका शॉर्टली सा ओवरव्यू दिया आपको, ताकि आप बोर ना हो और थोड़ा सा उस चीज़ को देख लें। इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचेंगे तो मैं अपने बच्चों को ये बड़े अच्छे तरीके से इसको गाइडलाइन करूंगा और स्टेप बाय स्टेप करके दूंगा, और इंशाल्लाह ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मुश्किल नहीं होगा। और मैथ एक याद रखिए मेरी बात, मैथ कभी भी मुश्किल नहीं होती है, इट्स अ फन। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा और आपने इन्जॉय किया होगा और आप अच्छे तरीके से समझ आई होगी। लास्ट पे फिर आपसे मैं यही कहूँगा कि अगर मेरी आपको ये वे ऑफ टीचिंग पसंद आया है तो काइंडली मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।